जय भारत साथियों साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें मैं एक खास नियम बताने वाला हूं और यकीन मानिए, यदि आपने इस नियम का अपने जीवन में इस्तेमाल किया, ये आपकी लीडरशिप को कई गुना बढ़ा सकता है, आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आप स्वयं इस नियम पर चलकर अपने आप में परिवर्तन देख सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव खुद महसूस कर पाएंगे। नियम क्या है? नियम देख लिया होगा आपने, 70-25-5 का नियम है। ये क्या कहता है? ये नियम कहता है आप अपना सारा समय, अपने सारे संसाधन, अपने सारे रिसोर्सेस, वर्तमान में जो आपकी स्ट्रेंथ है, उन स्ट्रेंथ को और ज्यादा डेवलप करने में लगाइए। 70% आपके रिसोर्सेस, आपका समय आपकी स्ट्रेंथ के लिए होना चाहिए, ना कि अपनी वीकनेसेस, अपनी कमियों को दूर करने के लिए। जितने भी लोग महान बने, बड़े बने, जिन्होंने बड़ी सफलता हासिल की, जिन्होंने बड़े आयाम अर्जित किए, जिन्होंने इतिहास रचा, उन्होंने अपनी कमियों से ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा किया और अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करने का काम किया। वो चीज जो आपकी पहचान बनाती है, वो चीज जिससे लोग आपको पहचानते हैं, वो चीज जो आपको लगता है आपके अंदर अच्छी है, वो काम जो आपको लगता है आपको करना पसंद है, अपना 70% समय, अपने 70% संसाधन, अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा डेवलप करने में लगाइए, ताकि जब उस फील्ड में नाम हो, जब उस फील्ड की बात हो, केवल और केवल आपका नाम लिया जाए, आप उस फील्ड के टॉप पर हो या कम से कम ऊपर की लेयर में तो होने ही चाहिए। अगर अपना 70% समय उन चीजों पर लगाएंगे तो वो चीजें और ज्यादा डेवलप होंगी। वैसे भी कहा जाता है जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वो बड़ी हो जाती है। अगर समस्या है तो समस्या बड़ी हो जाएगी, समाधान है तो समाधान बड़ा हो जाएगा। अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करिए। 70% समय, 70% संसाधन अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करने में, वर्तमान में जो आप काम कर रहे हैं उसको करने में लगाइए। उसमें और ज्यादा परफेक्शन कैसे हासिल की जा सकती है, उसमें अपना समय, अपना संसाधन, अपना सारा फोकस, 70% फोकस उन कामों पर रखिए। आगे क्या कहता है? 70 के बाद 25% किस पर? अपने ही काम में अपग्रेड करने में, अपने ही काम को अपग्रेड करने में। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको अपडेट कैसे किया जा सकता है, क्या नई सीखनी पड़ेगी, कौन सी नई चीजें जो सीखनी है, कोई नई टेक्नोलॉजी जो सीखना है, कोई नई चीज आई है जो आपके फील्ड में जो आपकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा डेवलप कर सकती है। मान लीजिए आप एक्सपर्ट हैं किसी चीज में, आपको नॉलेज उसकी ज्यादा है, लेकिन आपके गैजेट पुराने होने के कारण आपकी स्पीड स्लो रहती है, गैजेट अच्छे ना होने के कारण क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो शायद आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, आपकी परफॉर्मेंस को उतना ज्यादा आप सबके सामने नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन का स्टाइल या जो इक्विपमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो आउटडेटेड है, वो ओल्ड हो गए। तो क्या करिए, 25% अपने आप को अपग्रेड करने, अपडेट करने पर लगाइए। अपना समय, अपने संसाधन का 25% अपने आप को अपडेट, अपग्रेड करने में लगाना है, अपनी स्ट्रेंथ को ही और ज्यादा डेवलप करने के लिए क्या क्या चेंज करने की जरूरत है, उसी में क्या नया सीखने की जरूरत है, किसी ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग लेना, किसी काउंसलिंग की जरूरत है काउंसलिंग लेना, कहीं जाना है किसी मिलने के लिए मिलने जाना, किसी एक्सपर्ट के साथ बैठना एक्सपर्ट के साथ बैठना। अपना 70% समय आपने अपने वर्तमान काम पर फोकस करने, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करने पर लगाया, 25% समय और संसाधन अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा डेवलप करने में, उसमें बदलाव करने में लगाया, चेंज करने में लगाया। अब क्या होगा, हर साल आप अपने आप को बदला हुआ महसूस करेंगे, लोग आपको बदला हुआ महसूस करेंगे, लोग बता पाएंगे कि ये व्यक्ति पहले से बेहतर हो गया है, और लीडरशिप के मामले में थोड़ा सा भी परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन कहलाता है। साथियों, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को, मान लीजिए कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रेंथ है, कम्युनिकेशन को और ज्यादा डेवलप करिए, किसी एक्सपर्ट से राय लीजिए किस तरह से सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना होता है, आई कॉन्टेक्ट कैसे मेंटेन करना होता है, किस तरह से लोगों को सही सलाह दी जाए, मन से कैसे अपनी बात रखी जाए कि लोग हमारे साथ कनेक्शन फील करने लग जाए, लोग कनेक्ट हो जाए। सुना होगा ना, कई लोग मंच पर बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, इतने बढ़िया स्पीकर होते हैं, मन से उन्होंने कोई बात बोली, लोग उनके साथ कनेक्ट हो गए। कैसे कनेक्ट हुआ जा सकता है? अगर आपके साथ कनेक्शन ऑलरेडी होता है तो उस कनेक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कनेक्शन नहीं होता है तो कैसे कनेक्शन पैदा किया जा सकता है, उस पर काम करिए। अपना 70% अपनी स्ट्रेंथ जो ऑलरेडी है उनको डेवलप करने में, 25% अपना समय, अपने संसाधन, अपनी स्ट्रेंथ में अपडेट करना, अपग्रेड करना है, अपने वर्तमान काम में ही अपडेट और अपग्रेड करने में लगाइए, और 5% समय, 5% संसाधन अपनी कमियों को दूर करने पर फोकस करने में लगाइए। 5% ही समय देना है बस, अगर पूरे दिन में अगर आप कैलकुलेट कर ले तो 5% समय आना चाहिए, इससे ज्यादा समय आपके लिए नहीं है, आपको अपनी कमियों पर फोकस करने के लिए इससे ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए। तो मान लीजिए 24 घंटे हैं तो 5% चाहिए आपको 24 घंटे का, अब एवरेज लगा लीजिएगा कितने घंटे बन में, तो इसी एवरेज में आपको मैक्सिमम
5% अपना समय, अपने संसाधन, अपनी कमियों को दूर करने के लिए देने होते हैं, बाकी 95% 70 और 25 की रेशो में आपको अपने वर्तमान काम में और वर्तमान काम में अपग्रेड करने, नई टेक्नोलॉजी सीखने, नई ट्रेनिंग लेने, नई चीजें जानने, नई चीजों को डेवलप करने, नई चीजों को एक्सप्लोर करने में लगाना चाहिए। इस तरह से आप अपनी लीडरशिप को निखार सकते हैं, और चाहे फील्ड कोई सा भी हो। मान लीजिए आप, जैसे मैंने कहा, पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स में भी चलेगा, बिजनेस में तो बिजनेस में यही फॉर्मूला चलेगा, अगर आप टीचिंग में तो टीचिंग में ऐसे ही चलेगा, अगर आप किसी और फील्ड में है, कहीं पर भी आपको अपनी लीडरशिप को निखारना है, नेतृत्व क्षमता को निखारना है, तो जो आपकी ऑलरेडी स्ट्रेंथ है उस पर 70+25 और बाकी जो आपकी कमियां हैं उनको दूर करने पर 5% संसाधन, 5% समय लगाया जा सकता है। इसके ज्यादा समय और इसके ज्यादा संसाधन अपनी कमियों पर फोकस करने के लिए नहीं लगाने। सफल लोग नहीं लगाते, जितने भी लोग महान बने, सफलता हासिल की, उनमें भी कुछ कमियां थी, एट द एंड आप पे कुछ कमियां रह ही जाएंगी। तो बेहतर ये होगा सारी कमियों को दूर करने की बजाय अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस कर लिया जाए, अपनी स्ट्रेंथ को इतना बड़ा बना लिया जाए, इतना ज्यादा डेवलप कर लिया जाए कि जब जब उस फील्ड की बात हो, जब जब उस फील्ड के महारथियों की बात हो, तो आपका भी नाम आना चाहिए, कम से कम ऊपर की स्टेटा में आपका नाम होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन बदलाव महसूस कर पाएंगे और दूसरे भी आप में बदलाव महसूस कर पाएंगे और आप खुद अपनी लीडरशिप में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर पाएंगे।